हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अपना डे 3 कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम डे 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे सब लोड हो चुकी हैं, 22 ओवर हो गए थे, इनकी लास्ट विकेट बची थी। तो हम अपना बुमराह ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर फील्ड हमने चलिए चेंज नहीं किया, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम भूल गए थोड़ा करना, पर उम्मीद करेंगे कि अब ये जल्दी से ख़त्म हो इनकी बैटिंग, ज़्यादा वेस्ट ना हो। अरे, आउट हो सकता है क्या? जी नहीं, आउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। जी नहीं, आउट नहीं है। हम फील्ड चेंज कर लेते हैं। चलिए, फील्ड प्लान 1 है, यहाँ पे हम फील्ड प्लान 13 या 12 रखते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस सारी लेंथ के साथ। उम्मीद रखेंगे हमें विकेट मिले, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ऐसा खेलना नहीं चाहता हूँ फालतू में, क्योंकि फिर हमारी सेकेंड इनिंग्स नहीं आएगी और धीरे धीरे करके ये रन अपने बनाते जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर इनके 2 रन आ चुके हैं, और यहाँ पर हम ये वाली बॉल ट्राई करते हैं। चलिए, यहाँ पे भी डॉट हुई है, बहुत ही बढ़िया बॉल। यहाँ पर हम ये वाली बॉल ट्राई करते हैं। चलिए जी, ये भी डॉट ही हुई है। कोई अच्छी से हमें बॉल ढूंढनी होगी जिससे हम इनको आउट कर सकें, क्योंकि फालतू में फिर टाइम वेस्ट होगा। वैसे इनका टाइम वेस्ट होगा तो इनका ही नुकसान है, इनको ही सेकेंड इनिंग्स देर से मिलेगी, और अगर ये ऐसे खेलते जाएंगे तो एक वक्त तो थक ही जाएंगे, कहा जाए तो आउट होना ही पड़ेगा। एक वक्त तो ये भी मतलब बोर हो जाएंगे, तो आउट हो ही जाएंगे। तब तक हम अपना ऐसे कोशिश ट्राई करते रहते हैं, ज़्यादा होगा तो जब हमारी 100% एक्यूरेसी होगी तब आउट हो जाएंगे ये। यहाँ पे भी एक डॉट हो चुकी है, 92% एक्यूरेसी है हमारी। जल्दी से जल्दी हम इसे 100 करेंगे, इसी ओवर में कोशिश करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट बॉल पर हो जाएगी हमारी 100%। जी 92 से अभी हमारी 95 हुई है, अभी यहाँ पे हमारी 98 हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, 98 हो चुकी है हमारी। एक और बॉल फिर हमारे पास 100% एक्यूरेसी है, फिर क्लीन बोल्ड कर देंगे मैंने, बस ये डॉट करे। अरे यार, अगर यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 2 रन आया तो हमें शायद मिल जाए 100% एक्यूरेसी। जी अरे यार, एक उससे चूक गए हैं हम। चलिए, कुछ नहीं होता, तब भी हमारे पास एक बॉल बचेगी, बस ये वाली बॉल डॉट हो जाए, कोई रन आए इस पैसे इतना। जी हाँ, डॉट हुई है, 100% एक्यूरेसी है। स्लो बॉल ट्राई करेंगे और विकेट लेने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ये वाली लेंथ ट्राई करते हैं। चलिए, ये वाली लेंथ, और मेरे हिसाब से जी हाँ, आउट नहीं हुआ है यार। यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ भी करके ना आउट करना होगा। चलिए स्पिनर ले लेते हैं इसके लिए, शायद तब आउट हो जाए। फील्ड भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, हम फील्ड रखेंगे ये वाली, 97 तो इनकी भी है, तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे भी शायद जल्दी आउट हो। जब 97 है तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे भी 100% हुई है, गूगली ट्राई करेंगे। यहाँ पर ये वाली लेंथ रखेंगे, ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम रखनी थी मेरे को गूगली। चलिए, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वाली लेंथ ट्राई करेंगे, यार आउट क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये जल्दी कुछ करना ही होगा, आउट करना होगा इन्हें, वरना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हम आपका भी और हमारा भी। बस जल्दी से जल्दी इन्हें आउट करते हैं। चलिए, बस एक विकेट बची है, हम किसी तरीके से निकालना है उसे। ये वाली बॉल ट्राई करते हैं। चलिए जी, इस बार भी नहीं हुआ है आउट। चलिए दूसरी साइड से ट्राई करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं इस बार ये वाली लेंथ। इस बार मेरे को लगता है प्लेयर आउट हो जाएगा। जी यार, मिस फील्डिंग, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे भले ओवर को इन्होंने मिस फील्ड के कारण ख़राब कर दिया है। चलिए अश्विन ले लेते हैं, सेम फील्ड रखेंगे, ये वाली स्पिन जैसे हमारी गूगली में हुआ था। चलिए इस बार इसी साइड से ट्राई करते हैं ये सेम स्पिन, पर तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हमें किसी तरीके से विकेट लेने ही होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी और बहुत टाइम भी हो जाएगा वेस्ट। 100 रन हो चुके हैं, 85 रन है थोड़ा, बस किसी तरीके से उन्हें रोकना है हमें। वैसे अभी सारे दिन ना खेले, कितने 6 सेशन बचे हैं हमारे पास,
बस किसी तरीके से इन्हें आउट कर दें हम, तो हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि हम फिर और रन बना लेंगे और रन से पीछे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में तो एकदम तुरंत ही आउट तो नहीं होता है कोई भी प्लेयर, और हम इतने भी बेकार खिलाड़ी नहीं है जो तुरंत ही आउट हो जाए, तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे जिससे ये बहुत आसानी से हार जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये मैं इनकी जगह होता तो मैं डिक्लेयर करता इस समय, क्योंकि डिक्लेयर तो ऐसे मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद नहीं है बना सकते हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं। अगर मुझे लगता है मैं बना सकता हूँ तो मैं डिक्लेयर नहीं करता, वरना मैं डिक्लेयर कर देता फालतू में, क्योंकि फिर हमारी अगली इनिंग्स से उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, और अगली इनिंग्स में हम इन्हें ऑल आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश रखते, सीधी सी बात है। और इसी बीच अभी हमारे पिछले ओवर जहाँ तक मुझे लगता है मेडन गया था, बहुत ही अच्छी बात, ये भी डॉट हो चुकी है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार, किसी तरीके से इनको आउट करना ही होगा। चलिए ये वाली फील्ड रखते हैं अपनी वापस, और यहाँ पर स्लो ही लगते हैं लेंथ, इधर की तरफ स्विंग में रखते हैं, यहाँ पे शायद बॉलर बैट्समैन आउट हो जाए, बॉलर आउट कर दे शायद, जी नहीं यहाँ पे भी नहीं, अरे चौका चौका, हे भगवान कुछ भी हो रहा है इस गेम में। तो बारे में आपने देखा था गाइस, हमें नहीं किए थे ऐसे चौके, पर इनको दे रहे हैं यार, ये चीटिंग है बहुत ही। चलिए हम पर कुछ नहीं कर सकते इस बार, आउट 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 आउट, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात। और यहाँ पे फाइनली हमारा जो प्लेयर है इनका एक आउट हो चुका है, हमारे पास अब सेकेंड इनिंग्स आएगी खेलने के लिए, 27 ओवर इन्होंने कहा जाए तो खेले हैं, यहाँ पर लंच ब्रेक हो चुका है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, हम सेशन 2 स्टार्ट करेंगे अपनी बैटिंग के साथ, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।